छुआ लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी। तो आ गया, तो आप यही सोच रहे हो ना कि चार्जर पकड़ के क्या कर रहा हूँ मैं? भाजी वे सोचना भी। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारी मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी उतरती क्यों है, है ना? हमारी मोबाइल की जो बैटरी होती है वो बहुत जल्दी उतर क्यों जाती है। तो दोस्तों जो पहली बार आया हो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ जो साइड में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी मोबाइल की बैटरी बैकअप क्यों नहीं देती, ठीक है? चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आपने एक न्यू मोबाइल खरीदी आपने, और वो मैक्सिमम 2-3 महीने अच्छी चलती है, उसके बाद वो फिर से ख़राब हो जाती है बैटरी, मतलब बैकअप देना बंद हो जाती है बैटरी, जो है वो बैकअप देना बंद कर देती है। तो उस कंडीशन में हमको या तो सर्विस सेंटर के चक्कर काटने लगते हैं, या फिर मार्केट से जा करके बैटरी वगैरह चेंज करवाते हैं, लगता है कि हमें बैटरी खराब हो गई है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैटरी हमारी बैकअप क्यों नहीं देती। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल जितने भी मोबाइल आ गए हैं उस पर ये लिथियम आयरन वाली बैटरी जो होती है, लिथियम आयरन, या जो देख रहे हो ये लिथियम आयरन वाली बैटरी जो कि खुलती नहीं है, मोबाइल जो है वो नहीं खुलती। और एक होती है ड्राई बैटरी जो खुलती है, जो नॉर्मली फ़ोन पर पहले यूज होती थी, जो बैटरी खुल जाती है, जैसे कि ये बैटरी है ये खुल जाती है। और जैसे कि ये बैटरी है जो, ये लिथियम आयरन है, ये जो बैटरी आप देख रहे हो ये लिथियम आयरन बैटरी है ना, और ये वाली जो आप बैटरी देख रहे हो ये ड्राई बैटरी जो कि खुलती है। लिथियम आयरन बैटरी ये अलग नहीं होती, ये ड्राई सूखी हुई। तो आपको अब मैं बताता हूँ कि बैटरी उतरने का मेन कारण क्या है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपकी बैटरी जो उतरती है ना वो होती है आपकी डुप्लीकेट चार्जर। जी हाँ, ये जो देख रहे हो आप ये डुप्लीकेट चार्जर है। तो इस डुप्लीकेट चार्जर से आपको क्या होती है, वो बैटरी को जल्दी ख़राब करती है। अब वो बैटरी ख़राब कैसे जल्दी होती है, जैसे कि अपनी ये बैटरी है, ये बैटरी जैसे है, इसको चाहिए होती है मात्र 5 वोल्ट चाहिए इसको, 5 वोल्ट में बैटरी चार्ज होती है। बैटरी की आउटपुट होती है 3.9 तक के सीमित, मोबाइल पे जो होती है सीमित होती है उसकी 3.9, लेकिन चार्जर उसको चाहिए रहता है 5, है ना? तो अपन क्या करते हैं उसके लिए फास्ट चार्जर बूस्टर, जिसका अपना अभी नाम आया हुआ है, जिसको 2.0 से 2.2, 2.5 जितने भी आते हैं अभी चार्जर, फास्ट चार्जर होते हैं, है ना? वो अपन लेकर के क्या करते हैं मोबाइल पर डाल देते हैं, फास्ट चार्जिंग के कारण अपन मोबाइल को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। उस कारण क्या होता है, बैटरी फास्ट तो चार्ज हो जाती है, बैटरी जो है फास्ट चार्जिंग होती है, लेकिन उससे क्या होता है बैकअप कम देने लग जाते हैं। जी हाँ, बैकअप जो होती है उसकी कम हो जाती है। तो ध्यान रखिए कभी भी डुप्लीकेट चार्जर यूज ना करें, हो सके तो इमरजेंसी में आप कहीं गए हैं तो लगा ली, वो अलग बात होती है। अगर आपके अवेलेबल है मार्केट में मिल रही है तो ओरिजिनल चार्जर ही देखें सबसे पहले। तो जैसे कि एक बैटरी को जो चार्ज होने में कम से कम 2 घंटा लगता है, मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटा, अगर चार्जर अच्छी है तो, लोकल क्वालिटी है तो भाई 5 घंटा भी लग सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चार्जर कौन सी होती है ना। जैसे कि आप जो बैटरी देख रहे हो इसको मैक्सिमम चार्ज होने में आपको टाइम लगेगा, अगर अच्छे चार्जर है तो 2.5 घंटा मैक्सिमम में फुल चार्जर। लेकिन अक्सर क्या करते हैं, हम सोए रहते हैं और मोबाइल में चार्ज लगा दिए रहते हैं, रात भर खाते रहता 10 मिनट सुबह तक के उसके पेट फूल जाते हैं। इसी कारण से अक्सर जो है ना बैटरी खा लेते, ऐसा हो जाती है प्रेगनेंट लेडीज टाइप, समझ रहे हो ना? हाँ भाई, कारण यही है, ज़्यादा देर चार्ज लगाओगे बैटरी फूलेगा और बैकअप कम देगा। तो आप सीमित टाइम में बैटरी को करें, लिथियम आयरन की जो बैटरी होती है। और दूसरी बात, आप जो मोबाइल को यूज करते हैं देखे होंगे, ये पोजिशन जो देख रहे हो आप मोबाइल का, ये ऊपरी वाली भाग जो है इतना हीट होती है, ये जो नीचे वाली भाग है ये हीट नहीं होती, जो नीचे भाग है वो बैटरी लगी हुई होती है वो हीट नहीं होती, ये जो है इतना ही भाग जो है हीट होती है ना। तो ये जो भाग जो हीट होती है उसके कारण क्या होता है, बैटरी पे जो हीट होने के कारण बैटरी पे हीटिंग आती है। तो लिथियम आयरन की जो बैटरी होती है वो एकदम पतली टक्की, झिल्ली टक्की होती है, समझो जैसे आप अगर उसको मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी, इस टक्की होती है, वो गर्म जब नहीं कर पाती, ऊपर की जो उसमें कंपार्टमेंट लगी हुई होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, निकलने लग जाती, खराब होती है। उस कारण बैटरी का शॉर्टिंग होने के कारण वो बैटरी खुलना शुरू कर देता है गर्म के कारण। और अगर आप जैसे कि आप नेट यूज कर रहे हैं, सर्फिंग करें या फिर कैमरा यूज करें, तो मोबाइल अक्सर ये पार्ट्स है ये गर्म हो जाते हैं,
तो इसको आप थोड़ा देर 10-15 मिनट 5 मिनट कम से कम ठंडा होने के लिए रख दीजिए, हल्का सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप यूज करिए तो आपकी बैटरी का सेफ्टी रहेगा, बैटरी ज्यादा दिन भी चलेगी और आपको बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात यही है। और दूसरी बात, आजकल मैंने देखा है कि भाई चलने वाली बैटरी जो होती है, चलने वाली जैसे बैटरी होती है उसको पकड़ के आदमी बार बार जीप से लगाता है, चार्ज नहीं है, फिर डाल दिया अंदर। उससे क्या होता है, ऊपर बन का जो गिलास है ना, गिलास पे कार्बन लग जाती है, कार्बन, जी हाँ, ब्लैक कलर की डोटेड टाइप की कार्बन हो जाती है, ब्लैक कलर की कार्बन हो जाती है। तो उस कारण क्या, बैटरी सही से ना, जो चार्जर पॉइंट होती है ना, जो बैटरी के पॉइंट जो होती है कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर जो आप देख रहे हो, तो बैटरी ठीक से टच नहीं हो पाती, इस कारण भी क्या बैटरी चार्ज नहीं होती, जिससे आप क्या सोचते हो कि बैटरी खराब हो गई, लेकिन बैटरी कभी खराब नहीं होती। अगर जैसे कि आपकी खुलने वाली बैटरी है, तो अगर आपकी बैटरी अगर चार्ज नहीं हो रही या निकल चालू नहीं हो रही, तो आप क्या करें, उस बैटरी को, जैसे कि बैटरी है, उस बैटरी को आगे वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसको ब्लेड से हल्के रफ कर दे, मतलब गज साफ करें उसको, और रिटर्न लगा दे और चार्ज में बैठा दे, आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जो बैटरी जो बैकअप नहीं देती, तो आप सबसे पहली बार जो अननोन फेसर जो यूज आप नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती की है जो, उसको डिलीट मार दीजिए। आगे देखना, आप बैटरी यूजर्स की एक एप्लीकेशन आती है, अगर उसको आप डाउनलोड मारते हो, तो उसमें आपको दिखाया कि बैटरी कौन कौन सी कितना खा रही है, तो जो आपकी होती है बैटरी वो एप्लीकेशन भी खाती है। इस तरीके से आप उसको रिमूव कर दीजिए, तो आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी, है ना। और हाँ, सबसे पहली बात है, बैटरी को अगर लाइफ से बचाना है तो हीटिंग, मोबाइल को हीट ना होने दें, बस इतना ही। अगर आपका मोबाइल कम हीट हो रहा है, तो आपका बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो भाई, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है ना, उसे भी प्रेस कर लीजिए, और भाई देखिए वो वीडियो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर मिलते हैं।